नमस्कार एनडी हरियाणा चैनल पर भाई स्वागत है। और इस सुबह सुबह भाई हम निकल गए थे तो गलियों में नहीं जान लग रहे थे तो बाइक हमने रोक ली यहाँ। और सीमा जी जो अभी ना भाई झाड़ू लगा रहे हैं और ये गली की थोड़ी हालत देख लो। और इस तरफ कहीं अच्छा ये कल अगले दिन वोट मांगने के बाद ये आज आज ही मरता था यो दे दिया जी वोट तो मरता था ही नहीं काम वाले ने चिक्कड़ दे दिया यू ले लिया जी अच्छा ये चिक्कड़ दे दिया यो दे दिया जी यो साफ करते रहोगे राम ते लोटे लोटे और के करा अपने वाले आगे तक कर रहे साहब ना जी पड़ोसी घेर का गए काट का अच्छा पड़ोसी काट के गए नु वाले वोट तो दे दे नहीं चिक्कड़ ले लो मके चलो कुछ तो मिला फिर इसका के करोगे जी देखे जाओगे कड़े कड़े बढ़िया हो गया कुछ तो मिला गाम राम ना कुछ तो दिया अच्छा क्या रहा कल चुनाव थे चुनाव मत चुनाव मत बढ़िया मिल गया जी सारे गांव का आशीर्वाद मिल गया ढाई वोट मिल गई बढ़िया हो गया अपना चलो हंसी मजाक देखो ये तो चुनाव था कोई बात नहीं तो हाँ गेम था जी खेल लिया मजा आया वैसे तो मतलब बेरा लग गया हाँ भाई किस तरह लड़ा जाओ हाँ बढ़िया गणी चीज सीखने को मिली अच्छा कल कहीं बहुत सारे उदास है लेकिन आप तो खुश हो रहे ना मैं तो कल क्या सला जीत गए इसका मतलब हाँ जीत पता क्या जी जीत तो हुई है गांव का ही तो बनिया जी कोई ना कोई मारी बहनी तो बनी है आप जीत गए गांव का विकास हाँ जीत गए हम तो बिल्कुल जीत गए जी बढ़िया जीत हुई काफी लोग निराश हो रहे आप खुश हो रहे सुबह ना ना और कोई तो काम मतलब निकटता भी नहीं करता आप काम करने ना मैं तो जी कल किया से रहूं मैं ना कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं अच्छा क्या रहा चुनाव में हार होगी हाँ हार होगी अच्छा अच्छा कोई नहीं पता क्या हारता तो वो है सर जिनकी जो खुद हार जाते हैं मैं खुद तक कभी नहीं हारती अच्छा हारे नहीं आज घर बैठे बड़े बढ़िया विचार है जी देखो मैं खुद नहीं हारती जी कभी भी नहीं हारती ये देखो भाई बिल्कुल बिल्कुल तो आज यहीं बैठ जाओ मैं खुद तक कभी नहीं हारती सर बैठ जाओ जी आप यहां कोई नहीं बैठो सर आप तो भाई कल चुनाव हो गए हैं और काफी बड़े इमोशनल हो रहे हैं जो हार का सामना करना पड़ा जिन्होंने लेकिन मैं गया था काफ़ी जगह गया कल चुनाव रिजल्ट आया था तो देखा माहौल वहाँ का लेकिन जो गांव के लोग थे आसपास के तो वो अपने चुनाव की तो फिक्र नहीं कर रहे थे आपकी चुनाव की फिक्र कर रहे थे तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ भाई हारना उसको वो हारते हैं जो खुद को हार जाते हैं मैं खुद को नहीं हारती हूँ जितने भी मेरे भाई हैं जितनी भी मेरी बहनें हैं मेरा वेट कर रही थी मैं उनको कहती हूँ भाई आगे चलते रहेंगे रुकना हम मैं ही रुकती नहीं अच्छा जहाँ मेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी ना मेरे देशवासियों को मेरे गांव वासियों हाँ। को मैं वहाँ खड़ी मिलूंगी अच्छा हाँ बिल्कुल मिलूंगी सर बिल्कुल मिलूंगी अच्छा और अब एक बात और बताना चाहती हूँ सर मैं ना और भी ज्यादा पावरफुल हो गई हूँ क्यों हो गई हूँ अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे को है ना थोड़ा सा भी परमिशन देता है ना मैं वहाँ खड़ी होंगी जहाँ एक पल का भी ये नहीं है भाई हम वहाँ से जिंदा आ सकते हैं जो मेरे देश की सीमाएं हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मैं वहाँ भी जो सबसे कुत्ती सबसे खतरनाक जगह मैं वहाँ भी ड्यूटी देने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल तैयार हूँ डर नहीं लगता बिल्कुल नहीं लगता जी अच्छे जी बिल्कुल नहीं लगता सर इतना वो खड़े था कॉन्फिडेंस आपके अंदर मेरे अंदर तो बस अच्छा लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया आपको मेरे को वो देखो उनका खुद का अधिकार है देखो उस पे मैं कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती सर पता क्या मेरे गांव में ना एक मेन बात क्या है पहला हाराते हैं फिर उसको जिताते हैं हाँ और हार के ना जो ये पूनम जी है ये पहले ना ब्लॉक में खड़ी हुई थी वहाँ से ये हार रही थी और बहुत अच्छी है कोई नहीं लड़की बहुत अच्छी अच्छा है। हार के जीतना वो बढ़िया बात है हाँ हाँ और होना भी चाहिए सर पता क्या मेरे को है ना बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं यही कहती हूँ भाई कोई हार गया ना तो भाई दिक्कत मत मानियो खुश रहियो मैं तो खुश हूँ कल की मैं तो बिल्कुल ही मेरे पड़ोस में पूछ लो किसी का भी मैं पड़ोसी आ जाओ पूछ लो किसी का भी पूछ लो भाई बगड़ मेरे पड़ोस में पूछ लो अगर मेरा परली तरफ आ जाओ चलो लेके चलती हूँ आ जाओ बहुत सारे तो बात करवाऊंगे भाई सीमा कैसा इनका रिएक्शन था चलो भाई चलते हैं भाई चलो इनके पड़ोस में भी घूम लो आज चलो भाई हाँ जी मैं तो सबका ही हूँ हाँ सबका सेवक हूँ और सबका सेवक हूँ ये पोस्टर लग रहा था भाई सिंह जी का और ये गांव में घुमा रहे हैं भाई आज हमने और ये इनका घर परिवार
अड़ोस पड़ोस। अगर मैं ये सफाई देऊंगी भाई, मैं नहीं नाराज नहीं हो रही हूँ, मेरे परिवार से पूछ के देख लियो भाई, एक दो था भाई इसका रिएक्शन कल कैसा था कैसा नहीं था। तो भाई अच्छा ये आपके परिवार से ही होंगे ना ये भाई? पूछा भाई इसी मकान कुछ थी या नाराज नहीं हो बता दो भैया कुछ थी या सब भाई? एक तो बात देख मैं कहूंगी जी जी जरूर कहूंगी, जब आदमी इलेक्शन लड़न खातर खड़ा हुआ है और वो आ रहा है तो उसके दिल में फील तो हो ही है। हाँ, ये तो बात सच है। अब हम भी मतलब लग जा कह अब भाई हम तो बहुत खुश होकर आए, मत नहीं भाई अपने दिल में फील हो है इस बात की, अब भाई मैं एक वहाँ खड़ा अपने कहना नहीं चाहता, हम कहना भी नहीं चाहते और हम इतने भी वो ना मान ले, अब चलो हमने आगे बना लिया, कोई हमारे द्वारा होगा तो हम उस बात का जवाब देवेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये गांव वालों ने कहाँ वोट दिया, काम पे या फिर किसी? भाई हम ये नहीं कह सकते भाई, गांव वाले देखो काम तो सर वो ही है, काम करेगा तो बहुत अच्छी बात है, हम तो ये चाहते हैं भाई इंसान को वोट ना दो काम को दो। अच्छा ये कर दे कुछ जो बनते थे? हाँ उम्मीद थी और जो बन गए इब हमने क्या पता भाई करे या ना करे, हमने किसकी किसी की जिम्मेवारी थोड़ी, इनकी जिम्मेवारी है, इनकी तो जिम्मेवारी थी। अच्छा अच्छा इनकी जिम्मेवारी थी भाई, दबाव देते भाई उस टाइम पे भाषण दे रही थी खड़ी होकर, भाई क्यों ना करती, क्यों लोगों को अंधेरे में रख रही है तो। अच्छा लोग कहने सारे कमेंट में कह रहे थे कि भाई सीमा को जिताओ, मतलब बाहर वाले ज्यादा सपोर्ट करे और गांव वालों ने आपको वोट नहीं दिया? कोई बात नहीं सर वो तो बाहर वालों की। अच्छा वो इलेक्शन वाली अलग बात हो वैसे तो ना, देखो इलेक्शन है ना जो मैंने कई बार देखा है कि जिसकी इलेक्शन में पता नहीं यार क्या हो जाए, किस चीज किसको वोट दे दे है ना, इस बात का पता नहीं लगता कि इलेक्शन में कहाँ वोट चली जाए कहाँ की हो जाए। अच्छा इलेक्शन में कहाँ वोट गया आज? वोट गए देखो सर वो ही, मैं तो ये नहीं कह सकती भाई कोई भाई मैं गलत थी या भाई और दूसरा गलत था, हम पांच कैंडिडेट थे, पांच में तो देखो एक तो बनना ही था। अब मैं अपने आप ना सफाई दे दूं भाई, मैं बहुत अच्छी थी या भी मैं बहुत गलत थी, मेरे पास में तीन और है नहीं, तो उनको ये गांव वाले ने अच्छा जो भी डिसीजन लिया बढ़िया लिया भी बढ़िया लिया, अब दूसरे के उस पर अधिकार पर हम थोड़ा ना जोर नहीं डाल सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल चलो आप आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे सर, मेरे देश को जहाँ भी मेरी जरूरत होगी, मेरे गांव वाले को जरूरत होगी, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल नहीं हार मानती और मैं हारती तो बिल्कुल ही नहीं, मेरे अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया और भी ज्यादा पावरफुल होगी हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। और बहुत सारी मैं कह रही हूँ जितनी भी मेरी बहन है ना, ये मत सोचो भाई हम हार गए, हारता वो इंसान है जो मतलब अपने आप को हार जाता है, और भी ज्यादा बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, अपने आप को जारी रखना देश के लिए भी और गांव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीमा जी में जबरदस्त कॉन्फिडेंस भाई हो रह गया है और लगातार हम देखते रहेंगे कि भाई सीमा जी आगे क्या करने वाली है, और ये भी तो फिलहाल तो कुछ नहीं, चुनाव खत्म हो गए हैं। अच्छा अब एक बात बड़ी सवाल ये है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करोगे फिर, बड़ी पार्टी को? सर सपोर्ट तो अभी फिलहाल तो अभी कुछ मन नहीं है सपोर्ट करने का भी और जाने का भी, अभी राजनीति में कोई ज्यादा लंबा चलने की जरूरत नहीं है। अब वही है देखो, अगर कहीं से ऐसा आता है देखो सरकार तो अब वही है। अब चलो भाई इसके ऊपर हम अलग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में तो, है ना, तो अभी तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सीमा जी एक जबरदस्त, आप जो लोगों का जो प्यार मिलता रहा ना इसी तरह से लगातार, तो सीमा जी बहुत आगे जा सके, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा इस चुनाव को लेकर के। और मेन बात ये बताना चाहती हूँ, मेरे जितने भी भाई मेरे को सपोर्ट कर रहे थे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट पढ़े भी थे, देखे मेरे और आसपास के भी बताते थे भाई आपके प्रति इतने अच्छे कमेंट आते हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे भाइयों की मैंने ना आगे भी जरूरत पड़ेगी, जितनी भी मेरी बहन है मेरे भाई हैं सब मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मैं आगे बढ़ती रहूँगी। चलो भाई सीमा जी के लिए जबरदस्त कमेंट ठोक दो और भाई देखते हैं सीमा जी आगे क्या, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या पता भाई कैंडिडेट की, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो देखते हैं किस पार्टी, इस टॉपिक पे अलग से इंटरव्यू लेंगे नेचुरलिटी कि भाई आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मतलब बड़ी पार्टी को, तो उसके बारे में भी इंटरव्यू लेंगे कि आप उस पार्टी के बारे में क्या करना चाहोगे, इसके बारे में क्या करना चाहोगे, तो बने रहिएगा एनडी हरियाणा चैनल पर लगातार। तो ये भाई अपडेट थी, काफ़ी लोग एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेकर के कि सीमा जी का क्या हुआ, तो मैं भी कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं लेट पहुंचा था गांव में, तो अब बने रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अगर वीडियो को है ना जितना आप सपोर्ट करोगे ना तो उतना ही हमारा भी हौसला बढ़ेगा भाई, सीमा जी का तो बढ़े ही बढ़ेगा। तो ठीक है भाई, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में, धन्यवाद। चलो भाई आप एक मिनट चला दी वीडियो, तो उस कैंडिडेट का भी आपको इंटरव्यू दिखाएंगे जो अभी यहाँ से जीती है सीमा जी की टक्कर, हाँ तो उसके भी देखें। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो भाई वीडियो को शेयर कर दो, धन्यवाद। कितनी देर की है?